नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम KBC का हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बार भी हम KBC के बारे में जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, सोनी टीवी पर KBC का शो हर सोमवार से शुक्रवार तक टेलीकास्ट हो रहा है। यह शो जब भी टेलीकास्ट होता है, दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहता है। शो के होस्ट अमिताभ बच्चन भी अपने खास अंदाज से दर्शकों और कंटेस्टेंट सभी का मनोरंजन और ज्ञानवर्धन करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको यह बताएंगे कि KBC में एक कंटेस्टेंट ऐसे भी आया जो अमिताभ बच्चन को ही गेम खिलाने लगे। दूसरों को गेम खिलाने वाले अमिताभ बच्चन इस कंटेस्टेंट के सवालों के जवाब देते नजर आए। तो दोस्तों, आखिर तक यह वीडियो बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दूसरों से सवाल पूछने वाले अमिताभ बच्चन खुद जवाब देते नजर आते हैं और इस वीडियो में हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ऐसे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। दोस्तों, KBC के बुधवार के शो में एक हॉट सीट पर नजर आए डॉक्टर तन्वी खन्ना। डॉक्टर तन्वी खन्ना पेशे से डेंटिस्ट हैं और वह अमिताभ बच्चन के लिए खास गिफ्ट लेकर भी आई थी। अभी 11 अक्टूबर को ही अमिताभ बच्चन का असीमा जन्मदिन था, इसे KBC के सेट पर शानदार तरीके से मनाया भी गया था। डॉक्टर तन्वी अमिताभ बच्चन के बर्थडे के मौके पर एक गिफ्ट लेकर आई थी, लेकिन गिफ्ट के लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन के सामने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि बिग बी को यह गिफ्ट कमाना होगा। गिफ्ट लेने के लिए बिग बी को कमाना पड़ेगा। उन्हें गिफ्ट लेने के लिए कंटेस्टेंट के पूछे गए सवालों के जवाब देने होंगे और अमिताभ बच्चन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होती है डॉक्टर तन्वी के सवालों की बौछार। काफी मजेदार अंदाज में गेम शुरू होता है और अमिताभ बच्चन एक एक कर तन्वी के सभी सवालों के जवाब देते हैं। नेवर हैव आई एवर गेम शुरू हो जाता है। तन्वी खन्ना बिग बी से पहला सवाल पूछती हैं, मैंने कभी भी एक झूठे दोस्त का साथ नहीं दिया। बिग बी जवाब देते हैं कि हाँ, उन्होंने साथ दिया है और शर्त यह होती है कि जो सामने गिलास में पानी रखा होता है, अगर अमिताभ बच्चन सही जवाब देते हैं तो उन्हें पानी पीना पड़ेगा और नहीं देते हैं तो गलत, मतलब वो हाँ में देते हैं जवाब तो पानी पीना पड़ेगा, ना में देते हैं तो नहीं पीना पड़ेगा। जब कंटेस्टेंट उनसे पूछती हैं कि उन्होंने कौन से झूठ में साथ दिया, तब बिग बी कहते हैं कि हम आपको थोड़ी बताएंगे। इसके बाद कंटेस्टेंट अगला सवाल पूछती हैं, काम से बचने के लिए मैंने कोई झूठा बहाना नहीं बनाया है। तब हालांकि बिग बी ने खुलासा किया है कि उन्होंने कई बार काम से बचने के लिए बहाने बनाए हैं, पूछती हैं तन्वी खन्ना कि किस काम से बचने के लिए कब उन्होंने बहाना बनाया था। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि एक बहाना हो तो बताऊं। और आखिरी सवाल दोस्तों बहुत ही मजेदार होता है। कंटेस्टेंट ने पूछा, यानी तन्वी खन्ना पूछती है कि मैंने कभी भी किसी और का गिफ्ट किसी और को नहीं दिया। बिग बी कहते हैं, जैसे ही आप हमें ये गिफ्ट देंगी हम किसी और को दे देंगे। और इसके बाद जोर से हंसने लगते हैं। दोस्तों, एक सवाल आपको और बताना चाहूंगा। तन्वी खन्ना पूछती है कि कभी भी बिना बुलाए किसी की शादी में नहीं गए। अमिताभ बच्चन पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि जब उनके पास पैसे नहीं होते थे, खाने की दिक्कत होती थी, तो जो भी बारात गुजर रही होती थी उसमें वह भी शामिल हो जाते थे और वह जाकर खाना खा लेते थे। तो ऐसा उन्होंने अपनी यादों को जिक्र किया। और इसके बाद जब ये गेम ओवर होता है तो तन्वी खन्ना अमिताभ बच्चन को गिफ्ट जो उनके लिए लेकर आते हैं, शानदार सा गिफ्ट, वह उन्हें शेयर अमिताभ बच्चन को गिफ्ट देती हैं उनके हैप्पी बर्थडे के ओकेजन पे। और इस तरह ये गेम होता है। दोस्तों, आपको ये बताते हैं कि तन्वी खन्ना इस गेम से 10,000 रुपये का ही जीत कर जाती है इनाम, क्योंकि वह एक गलत जवाब देकर नीचे गिर जाती हैं और 10,000 रुपये का ही इनाम जीत कर यहाँ से जाती हैं। लेकिन उन्होंने लोगों को काफ़ी इंटरटेन किया। और दोस्तों, आपसे एक बात और अपील करनी है कि आप अपने विचार कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। यह भी बताएं कि आप KBC के अलावा और किस इंटरटेनमेंट शो या मूवी के बारे में अपडेट चाहते हैं। आप जो हमें बताएंगे कमेंट करके, हम उस बारे में भी अपडेट देने की आपको कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा।